मैं राजू कुमार सीटेट दिसंबर पास अभ्यर्थी बोल रहा हूँ सर। सीटेट वाले को हम समय देंगे जी, और ये सीटेट वाले जो प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो एग्जाम रिजल्ट हो गया उसका? नहीं जी, रिजल्ट हो गया है सर, और हम लोग लगातार 3 सालों से सर शिक्षा मंत्री और सरकार के आश्वासन से हम लोग सर स्ट्रगल कर रहे हैं सर। अभी गर्दनी बाग में हम लोग का आंदोलन चल रहा है, पिछले बार शिक्षा मंत्री भी गर्दनी बाग में आंदोलन चल रहा है। आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र हैं, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही नहीं कि उसका वैकेंसी निकाल के उस पर आपका प्लेसमेंट करना, यही ना करना जी, है। जी सर, सप्तमी चरण की भी समझे ना, तो आप बात समझिए ना जी सर, आप आंदोलन चला रहे हैं कोई बात नहीं है। आंदोलन अभी नई सरकार का गठन हुआ, स्थित रहिए, आंदोलन अपना वापस कर सकते हैं, ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ना करना है तो कोई बात नहीं। ये सर, ये हमारा ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी ने स्वाधीनता दिवस के अवसर पर तेजस्वी जी का जो ड्रीम ऑब्जेक्ट है बेरोजगारी दूर करने का, 10 लाख लोगों को नौकरियां गछे हैं, सारे चीज का समीक्षा करा करके एडवर्टीजमेंट करेंगे, और एडवर्टीजमेंट करा करके आप लोगों की नियुक्ति होगी। तो अब मान लीजिए इतना दिन आपका ना हुआ तो 2 दिन में हो जाएगा मेरे से? नहीं सर, नहीं होगा सर, बट सर हम लोग को सर एक आपकी तरफ से सर शिक्षा मंत्री की तरफ से आपसे एक संभावित डेट सर बताइए हम लोग को सर, क्योंकि रिक्ति भी मांग लिया गया है सर संजय सर के। बोल रहे थे जल्द से जल्द करूंगा, तिथि मत पूछिए। सर मुख्यमंत्री जी ने कहा है आपका आपकी बहाली होनी है, और ये तो आप समझिए ना कि जो आपका डेडलाइन है, जो डेडलाइन है आपका चुनाव से तो साल 6 महीना पहले, साल 2 साल पहले हो सकता है ना। आप 2-4-6 महीना काम करने का समय तो दीजिए लोगों को, नई सरकार को। यस सर बट हमारे मामला सर 3 साल से लंबित प्रस्तावित है सर, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है सर। आप सचिव सर से एक बार खुल के इस मुद्दे पे बात कीजिएगा तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी सर, और हम लोग को नोटिफिकेशन हमको ये समझ में आई। आज बात सचिव बता रहे थे जी कि जो सीटेट पास लड़का है जी, इन लोगों के नियुक्ति का मामला है सर, और नियुक्ति के मामलों में निर्णय सरकार को लेनी है जी, सर करेंगे, लेकिन डेडलाइन मत दीजिएगा। तो हमने उनकी बात को समझा, हमको लगा डेडलाइन देने से कर हम भी उसी तरह फेल कर जाएंगे तो ठीक बात नहीं है। बिल्कुल सर, हमको डेडलाइन मत मांगिए, लेकिन हम लोग काम करेंगे आपका। अच्छा, फिर भी सर एक कब तक आसान मित्र रहे सर आपसे उम्मीद करें? तो आप यही बात पूछ रहे हैं ना, फिर ये बात ना पूछिए ना। अच्छा, हमसे जितना जल्दी हो पाएगा आपके काम को हम डन करेंगे। चलिए ठीक है सर। सर एक एक क्वेश्चन और सर हेलो आप एक क्वेश्चन और सर, जो सीटेट वाले लड़के वो समय दिए हैं कि समय लेकर के मिल के आइएगा, हम आपसे बात करेंगे सर।